मध्य प्रदेश का जो पिछला नतीजा रहा वो जरा देख लीजिए आप। 2018 विधानसभा चुनाव का ये नतीजा मैं आपको दिखा रही हूँ। कुल सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 हैं और कांग्रेस देखिए, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस 114 सीट और बीजेपी 109 सीट। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। बीजेपी का वोट शेयर आप देखेंगे तो 41.02% और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 40.89% था। तो कुल मिलाकर ये स्थिति थी, जो जादुई आंकड़ा था वो कोई हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन सरकार जाहिर सी बात है कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बना ले गई थी। पर इसके बाद जिस तरीके से 2020 में वो ज्योतिरादित्य वाली बगावत कांग्रेस से कमलनाथ की सरकार गिरी, फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई और अब सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में ये सत्ता बरकरार रखने की है। सीधे लेकर चलेंगे आपको हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत, उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, अगर बात की जाए दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी, चुनौती दोनों ही के लिए इस बार बहुत विराट। निश्चित ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां दो पार्टी के बीच चुनाव होता है, बीजेपी कांग्रेस, और ये पूरा इतिहास है कि हर वक्त सिर्फ 2003 के इलेक्शन छोड़ दें तो ये जो दोनों पार्टियों का जो वोट परसेंटेज होता है, जो जैसा पिछले अभी आपने बताया, बहुत नेहरा होता है, बहुत बारीक का अंतर होता है, उसी पर सरकार बनती और बिगड़ती है। पिछली बार यही हुआ कि बीजेपी के पास वोट शेयर ज़्यादा था, नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा थे मगर सीटें कम आई थी और इसी के कांग्रेस ने बाजी मार के सरकार बना ली थी, मगर कांग्रेस की सरकार चल नहीं पाई तो इसलिए फिर ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि उसका राज्य है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसका राज्य है। दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी है कि मेरी इस बार पार्टी नहीं आ पाई सत्ता में तो ये 20 साल का 25 साल बीजेपी आ जाएगी तो कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी। इसलिए कांग्रेस जी जान से यहां जुटी हुई है और बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाह रही अपने इस राज्य को, क्योंकि इस राज्य की बदौलत उसके पास बड़े बड़े नेता हैं और बहुत संसाधन इस राज्य की बदौलत ही जुड़ते हैं। मगर बड़ी बात यह कि जिस तरह से मीटिंगें चल रही हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, रात की नींदें उड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि साहब ये मंथन का दौर है, मध्य प्रदेश किस ओर है और एक तरफ विधानसभा चुनाव और उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।